हेलो एवरीवन, मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा इज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दैट अकर्स ड्यू टू द डिफेक्टिव फ्यूजन ऑफ वन आर मोर पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्चेज विद रिजल्टेंट प्रोट्रूजन ऑफ द कंटेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड। मीन्स स्पाइना बाइफिडा एक टाइप का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो कि डिफेक्टिव फ्यूजन की वजह से होता है। जो पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्चेज होते हैं उनका डिफेक्टिव फ्यूजन हो जाता है, उनका फ्यूजन अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कार्ड है वो प्रोट्रूड होकर के बाहर आ जाती है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। तो इसे हम स्पाइना बाइफिडा या स्प्लिट स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो स्पाइना बाइफिडा इज अ माल फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन। जैसा कि हमने बताया कि फ्यूजन नहीं हो पाता है, मींस स्पाइन का माल फॉर्मेशन हो जाता है, अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इन विच द पोस्टीरियर पार्सन ऑफ द लेमिना ऑफ वर्टिब्रल फेल टू क्लोज विद आर विदाउट डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड। इसमें क्या होता है, स्पाइनल कार्ड का डिफेक्टिव डेवलपमेंट भी हो सकता है, और बेसिकली इसमें क्या है कि स्पाइन के माल फॉर्मेशन की वजह से जो पोस्टीरियर पार्सन है लेमिना का, जो कि फेल हो जाता है, वो क्लोज नहीं हो पाता अच्छे से। क्लोज ना हो पाने की वजह से जो स्पाइनल कार्ड है वो प्रोट्रूड होकर बाहर आ जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि एक टाइप का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो इन्फीरियर न्यूरोपोर होते हैं वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पाते। अगर इसके इंसिडेंस की हम बात करें तो पर 1000 लाइव बर्थ में 1 to 2 पर्सन जो है, 2 चाइल्ड जो है इससे अफेक्टेड होते हैं। बेसिकली ये जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हीं में होता है। इसका रीजन जेनेटिक हो सकता है, मैटरनल एज हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, डाइट हो सकती है, मदर की डाइट। बेसिकली जो फोलिक एसिड होती है, फोलिक एसिड मींस विटामिन B9, उसकी कमी की वजह से हो सकता है बच्चों में। साथ ही साथ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो सकती है, अगर अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया, प्रीनेटल केयर अच्छे से नहीं हुआ, तो उस रीजन की वजह से हो सकता है। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये नॉर्मल ब्रेन है, नॉर्मल स्पाइनल कार्ड है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो स्पाइना बाइफिडा वाली कंडीशन है, तो इसमें जो हमारी स्पाइनल कार्ड है वो प्रोट्रूड होकर के बाहर आ गई है। तो ये सारे रीजन इसके हो सकते हैं और बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। एग्जैक्ट काज तो इसका अभी तक अननोन है, इडियोपैथिक है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि स्पाइना बाइफिडा कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली स्पाइना बाइफिडा 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्पाइना बाइफिडा अक्लूटा एंड नेक्स्ट वन इज स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका जो है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेनिंजोसील, एक होता है मायोमेनिंजोसील। तो सबसे पहले हम बात करें अगर स्पाइना बाइफिडा अक्लूटा की, तो स्पाइना बाइफिडा अक्लूटा इज अ डिफेक्ट विद रिजल्ट फ्रॉम फेल्योर ऑफ माल फॉर्मेशन ऑफ बोनी आर्च अराउंड द स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड के अराउंड जो है जो बोनी फॉर्मेशन होता है उसके फेल्योर होने की वजह से जो बोनी आर्चेज होते हैं उनका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता, वो फेल्योर हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे स्पाइनल कार्ड होती है वो प्रोट्रूड होने के उसके चांसेस रहते हैं, बट इस कंडीशन में जो है मेनिंजेज नॉर्मल रहती हैं और स्पाइनल कार्ड भी नॉर्मल रहता है। बस केवल बोनी डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है, इसलिए इतना सीवियर ये नहीं है। इसी वजह से इट इज़ नॉट विजिबल एक्सटर्नली एंड इट इज ए सिम्टोमेटिक, इसीलिए हमें एक्सटर्नली ये जल्दी पता भी नहीं चलता और ये सिम्टोमेटिक होती है। इसके बेसिक अगर सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे तो जो अफेक्टेड एरिया होगा वहाँ पर हेयर का ग्रोथ होना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं जैसा इमेज में आपको दिख रहा है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये हमारा है स्पाइना बाइफिडा अक्लूटा। देखिए यहाँ पर हेयर पैचेज हमें देखने को मिल रहे हैं, ओपन पोस्टीरियर वर्टिब्रल बॉडी जो है वो ओपन रह गई है, तो इस वजह से। तो ये हमारा है स्पाइना बाइफिडा अक्लूटा। अब अगर हम बात करें स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा अक्लूटा में हमने देखा कि पोस्टीरियर वर्टिब्रल बॉडी जो है, आर्चेज जो हैं, उनका माल फॉर्मेशन हो रहा है, अच्छे से डेवलप नहीं हो रहे हैं, क्लोज नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसमें हमारी स्पाइनल कार्ड और हमारी मेनिंजेज पर कोई डिफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में स्पाइनल कार्ड और मेनिंजेज भी इन्वॉल्व होती हैं, साथ ही साथ जो है क्लोज होना था पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च को, वो क्लोज भी नहीं हो पाता है। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेनिंजोसील, एक होता है मायोमेनिंजोसील। मेनिंजोसील में होता है इट इज अ सैक लाइक हर्निएशन थ्रू द बोनी माल फॉर्मेशन कंटेनिंग मेनिंजेज एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसमें क्या होता है कि
इसमें भी एक टाइप का स्पाइनल कार्ड का हर्निएशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ बोनी डिफेक्ट होता है, बोनी वाल फॉर्मेशन होता है, उस जगह पर जो है थोड़ा प्रोट्रूड हो जाते हैं, तो इसमें मेनिंजेज और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है इन्वॉल्व होते हैं। मायोमेनिंजोसील ये भी एक साइक लाइक प्रोट्रूजन होता है स्पाइनल कार्ड का, जिसमें CSF, मेनिंजीज और स्पाइनल क्लेफ्ट भी होते हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द लंबर एंड लंबोसेक्युलर रीजन। बेसिकली जो स्पाइना बाइफिडा की कंडीशंस होती है, बेसिक जो मायोमेनिंजोसील होता है वो हमें लंबोसेक्युलर रीजन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की, तो इट अकर्स ड्यू टू द डिफेक्ट इन द ओल्डरली ऑर्डरली क्लोजर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड ड्यूरिंग 4th or 6th week ऑफ द जेस्टेशन। मीन्स प्रेगनेंसी के 4th to 6th week में क्या होता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम का क्लोजर होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। उसमें डिफेक्ट आने की वजह से क्या है कि जो है जो स्पाइनल कार्ड है वो पूरी तरह से ग्रो ना करके और प्रोट्रूड हो जाता है। साथ ही साथ ड्यूरिंग द 3rd week ऑफ द जेस्टेशन, जो जेस्टेशन का 3rd week होता है, प्रेगनेंसी का जो 3rd week होता है, आ डिप्रेशन फॉर्म द डार्सल ऑफ द एक्टोडर्मल इन द इम्ब्रियो। इम्ब्रियो का जो इम्ब्रियो होता है उसमें जो डार्सल पार्ट होता है, जो एक्टोडर्म मेजोडर्म इंडोडर्म होता है, इसमें जो एक्टोडर्म वाली लेयर होती है, एक्टोडर्म वाली लेयर इम्ब्रियो में, उसमें जो है डिप्रेशन आ जाता है। इस डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, ये डिप्रेशन धीरे धीरे डीपर अगर होता जाता है तो जो मार्जिन क्लोज होते हैं डार्सली वो क्लोज नहीं हो पाती न्यूरल ट्यूब की, और जिसकी वजह से एक टाइप का डिफेक्ट हो जाता है, और ये हमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों में देखने को मिलता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म बाय व्हिच न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अकर्स इज नॉट सर्टेन। कह रहे हैं जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो हमें अभी क्लियर नहीं है। अब अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो सबसे पहले हमने बात किया था स्पाइना बाइफिडा अक्लूटा की, तो जैसा कि हमने बताया था ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, बट इसमें हमने दिखाया था आपको कि इसमें हेयर्स वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। लेकिन जो हमारा मेनिंजोसील और मायोमेनिंजोसील है उसमें प्रोट्रूजन भी देखने को मिलता है, अच्छा खासा प्रोट्रूजन देखने को मिलता है। प्रोट्रूजन जो है इसमें जो मेनिंजोसील है इसमें केवल मेनिंजेज का देखने को मिलता है, और जो मायोमेनिंजोसील है उसमें प्रोट्रूजन जो है वो बिल्कुल स्पाइनल कार्ड और मेनिंजेज दोनों होते हैं, और इसमें स्पाइनल कार्ड जो है ओपन रह जाती है। तो ये चीज़ें। अब अगर हम स्पाइनल बाइफिडा अक्लूटा की देखें, तो इसमें सबसे पहले जो फीचर्स हैं वो पहली बात एसिम्प्टोमेटिक है। अगर सिम्प्टोमेटिक है तो स्किन पर जो है हेयर का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, माल फॉर्म्ड वर्टिब्रा जहाँ पर होगी, साथ ही साथ जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो करेगा उसमें फुट की वीकनेस, उसके ब्लैडर और बावल के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो उसमें जो है कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रहेगी, जैसे मैक्चुरेशन हो या डिफिकेशन हो उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो हमारे लोअर लिम्ब है उसमें वीकनेस से पैरालिसिस भी फील होगी। अब अगर स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की बात करें, तो इसमें दो टाइप्स, जैसे हमने बताया था मेनिंजोसील और मायोमेनिंजोसील। जो मेनिंजोसील होता है उसमें एक्सटर्नल सिस्टिक डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ वीकनेस ऑफ लेग, जिसे हमने बताया था पेरिसिस ऑफ लेग्स या फुट, साथ ही साथ जो इंस्पेक्टर हैं बावल और ब्लैडर के उसमें हमें कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल वहाँ से हट जाता है, उसमें भी वीकनेस आ जाती है। साथ ही साथ मायोमेनिंजोसील की बात करें, तो इसमें जो हर्निएटेड मास्क होता है वो लंबोसेक्युलर रीजन में खासकर हमें देखने को मिलता है। अगर ब्रेन भी इन्वॉल्व है तो उसमें हाइड्रोसेफेलस देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल, कंजेनाइटल स्केलेटन एनामलीज भी हमें देखने को मिल सकता है, जैसे हेमी वर्टिब्रा वगैरह जो है सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ अगर इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करें, तो इसमें हम अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं, फीटल MRI करवा सकते हैं, एमिनोसेंटेसिस एक प्रोसेस होती है जो हम फीटस का करवाते हैं उससे देख सकते हैं, सैक मे बी ऑन द बैक ऑफ द बॉडी में हमें देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ CT scan एंड MRI ऑफ द स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन उससे हमें पता चल सकता है। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें, तो बेसिकली इट डिपेंड ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट कैसा है उसका नेचर कैसा है इस पर डिपेंड करता है इसका। बेसिकली अगर स्पाइना बाइफिडा अक्लूटा है तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट जरूरत नहीं होती है, अगर स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है तो उसके लिए स्पेशल सर्जरी होती है, स्पेसिफिक सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसे हम लेमिनेक्टॉमी बोलते हैं। ये सर्जरी आफ्टर बर्थ जो भी हो सकती है और बिफोर बर्थ भी कर सकते हैं अगर पता चल जाए तो, अगर हमें अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल सकता है तो हम कर सकते हैं, और अगर पहले भी पता चल जाता है तो हम एबॉर्शन के लिए बोल देते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि बहुत दिक्कत करता है आगे चल करके। अगर
बाद में पता चलता है, मतलब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो विद इन 24 to 48 आवर्स में हम लैमिनेक्टॉमी सर्जरी करवा देते हैं। जैसे कि आपको पता है इसमें लैमिना को जो है वहाँ से हटा दिया जाता है और फिर उसे क्लोज कर दिया जाता है। जैसा कि ये देखिए यहाँ पर अपसेंट था और उसे वहाँ से क्लोज कर दिया गया लगा के, तो ये सारी चीज़ें। अब अगर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो अगर देखिए अगर स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है, जैसे कि हमने बताया अगर स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है तो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में स्पेशल सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये आफ्टर बर्थ या बिफोर बर्थ जो है सही हो जाता है। अगर स्पाइना बाइफिडा अक्लूटा है तो उसके लिए हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे थे, जैसे कि मतलब इसमें क्या होगा कि यूरिनेशन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस हो सकता है, बावल ब्लैडर मूवमेंट कंट्रोल हो सकता है, मतलब अनकंट्रोल हो सकता है, मेनिनजाइटिस हो सकता है, परमानेंट वीकनेस हो सकती है, पैरालिसिस वगैरह, ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फिजियोथेरेपी का भी इसमें रोल होता है, तो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी दोनों में होता है। तो इसमें मेन जो रीजन होता है कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, जैसे कि हमने बताया कि इसमें क्या हो सकता है यूटीआई मींस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रिवेंटिंग इंजरी टू द सैक, जो सैक निकला है बाहर आउटसाइड, चाहे वो मेनिन्जियोसील का हो या मेनिन्जियोसील का हो, तो उसको प्रिवेंट करना है कि उसमें कोई इंजरी ना होने पाए, प्रिवेंशन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करना है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, लेग और हिप की जो डिफार्मिटी है उन्हें प्रिवेंट करना है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन उन्हें देना है अच्छे से, और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, जैसे कि हमने इतने सारे कॉम्प्लिकेशन आपको दिखा दिए। ये देखिए हमारा नॉर्मल ब्रेन और ये हाइड्रोसिफेलस कंडीशन है। अब अगर हम बात करें इसमें एक्सरसाइज वगैरह कर कराएंगे तो डिपेंड ऑन द कॉम्प्लिकेशंस, कैसा कॉम्प्लिकेशंस होता है। अगर ऐसा कॉम्प्लिकेशन से कोई कि मतलब जैसे वीकनेस आ गई, पैरालिसिस हो गया या कोई डिफार्मिटी आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग हम करवाएंगे बेसिक जो है। अगर ओवरऑल हम देखें तो जॉइंट रेंज आप मोशन एक्सरसाइज करवा सकते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, पोजिशनिंग और हैंडलिंग ज़्यादा जरूरी है, बैलेंस ट्रेनिंग, मोबिलिटी और एम्बुलेटरी ट्रेनिंग भी देते हैं। अब इसमें अगर असिस्टिव डिवाइस की बात करें तो एंकल फुट आर्थोसिस का यूज हम कर सकते हैं, नी एंकल फुट आर्थोसिस का हम यूज कर सकते हैं। इनिशियली जो है एंकल फुट आर्थोसिस का यूज करते हैं यंग चिल्ड्रन में, क्योंकि जो कॉन्ट्रक्चर होता है उसको प्रिवेंट करते हैं और साथ ही साथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम देते हैं, जिससे कि बच्चा जो है अच्छे से खड़ा हो सके, स्टैंड हो सके। अगर इसके प्रोग्नोसिस की बात करें तो बायोमेनिन्जियोसील कैन यूजली बी सर्जिकली करेक्टेड विद ट्रीटमेंट, लेंथ ऑफ द लाइफ इज नॉट अफेक्टेड बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्प्रूव्ड। इसमें कह रहे हैं कि अगर मायोमेनिन्जियोसील है, ये मीन्स इसमें जो हम बोलते थे ना कि स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, उसके जो टू टाइप्स थे, सर्जिकली हम ठीक कर सकते हैं, पर इसमें क्या है कि लाइफ की लेंथ को तो हम नहीं बढ़ा सकते, पर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन जैसा कि हमने ही पहले बता दिया था, फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हाइड्रोसिफाइलस, ब्लैडर बाउल कंट्रोल, मेनिन्जाइटिस, परमानेंट वीकनेस और पैरालिसिस आप देख लग, तो इन्हीं सबको हम फिजियोथेरेपी वगैरह की मदद से ठीक कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि इन्हें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि ये हो ही ना, तो इसके लिए है कि जेनेटिक काउंसिल करना, पेरेंट्स की जो है जेनेटिक काउंसिल्स करना, जिसकी वजह से कि अगर डिलीवरी होती है तो उसमें किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, इन सब का ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो है अगर इफ़ सीवियर डिफेक्ट इज डिटेक्टेड अर्ली इन प्रेगनेंसी, अगर प्रीनेटल केयर जो हम करते हैं उस समय अगर हमें पता चल जाता है तो एबॉर्शन तुरंत करवा देना चाहिए। साथ ही साथ अगर प्रेगनेंसी के टाइम फोलिक एसिड सप्लीमेंट देते रहना चाहिए, और पेरेंट्स को जो है इस बात से बता देना चाहिए कि अगर दोनों लोग में से कोई भी स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, ये सारी चीज़ें जाकर के वहाँ डिफेक्ट पैदा कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पाइना बाइफिडा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक